हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक नई टेक्निक के साथ कोस्टर बनाऊंगी, जिसमें हम कोई भी अल्कोहल इंक नहीं यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने पहले अपना बेसिक वही टू इज़ टू वन की रेशियो में मैंने अपना रेजन मिक्स किया है, रेजन एंड हार्डनर। अब मैं इस रेजन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, जिसमें मैं कुछ अपने गिलास में रखूंगी, बाकी 3 पार्ट्स मैं 3 ग्लासेस में डाल के उनमें मैंने अल्कोहल इंक नहीं मिक्स करी, उनमें मैंने रेजन लिक्विड पिगमेंट मिक्स करूंगी। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विड पिगमेंट है, इसके 2 ड्रॉप्स डालने से ही मेरा रेजन इतना ज़्यादा कलरफुल हो जाता है कि आप देखेंगे कि ये ना तो ओपेक है और ना ही ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसकुलेंट बन रहा है, जो अल्कोहल इंक प्लस पिगमेंट दोनों का वर्क कर रहा है। और इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें मैंने इसमें रेड कलर लिया है, ब्लू कलर लिया है एंड येलो कलर लिया है। इसको आप देखें, मैंने मिक्स कर रही हूँ, ये कितना सुंदर सनफ्लावर येलो कलर आ रहा है, ये देखें, ना तो ये ट्रांसपेरेंट है और ना ही ये ओपेक है। ऐसे ही एक एक करके हम तीनों कलर्स को मिक्स करेंगे प्रॉपरली। अब ये ब्लू कलर भी मिक्स हो गए और मेरा जो रेजन है ना तो बहुत ज़्यादा थिन है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये ऐसी कंसिस्टेंसी है जैसे कि हम एक हनी ही कह सकते हैं, हनी जैसा फ्लो है इसका। रेड कलर, अब हम इसको एक एम्प्टी ग्लास में, हम इसमें डर्टी पोर में ये कलर को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पार्ट येलो का, फिर थोड़ा सा पार्ट ब्लू का, फिर थोड़ा सा पार्ट रेड का। ऐसे ही फिर से हम येलो, फिर ब्लू कलर, फिर रेड कलर और लास्ट में हमारे ग्लास में जितना येलो कलर रह गया था उसको हमने इसमें डाला, फिर ब्लू कलर को इसमें डाला और अब हम रेड कलर को उस ग्लास में डाल रहे हैं। ये कलर को मैंने प्रॉपरली मिक्स नहीं किया, बस हल्के हल्के हाथ से मैंने स्टर किया और फिर मैंने मोल्ड के सेंटर से इसको पोर किया, ना कि साइड से। आप इसमें देखें ना तो हमारे कलर मिक्स हैं, बड़ा सुंदर सा ये रेनबो टाइप का इफ़ेक्ट दे रहे हैं। अच्छे से स्क्रैप करके अपना रेजन मैंने इसमें डाल दिया और अपने मोल्ड को मैंने रोटेट करके इसको मिक्स नहीं किया, पर उसके साइडों में सब कॉर्नर्स में मैंने रेजन को डाल दिया और अपनी हीट गन से मैंने एक बार इसके बबल्स निकाल दिए। और जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट रेजन अभी बच गया था उसमें मैंने थोड़ा सा एक्रेलिक कलर वाइट, चाइनीज़ वाइट वाइट कलर मिक्स करा है थोड़ा सा। इसको अच्छे से मिक्स करके हम डॉट्स के पैटर्न में इस रेजन को सारा इसमें अच्छे से इसमें डाल देंगे, डॉट डॉट्स के इफेक्ट के साथ। आप ये देखेंगे जब इसका रेजन बनेगा तो इसका इफेक्ट पेटल्स टाइप का आएगा, छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे जहाँ पे मुझे थोड़ा सा गैप ज़्यादा लग रहा था उन सब में मैंने डॉट्स को डाल दिया और बाकी का जितना रेजन था जो इस मोल्ड में आ सकता था मैंने इसके सेंटर में पोर कर दिया।
और जो मेरे पास गोल्डन ग्लास बीट्स थे मैंने इसको थोड़ा सेंटर में इसको डाल दिए और अपनी हीट गन के साथ मैंने अपनी टॉर्च के साथ, हीट टॉर्च के साथ मैंने इसके बबल्स को ख़त्म कर दिया। अब मेरे पास कुछ रेज़न अभी पड़ा हुआ था, अब मेरे पास जो रेज़न पड़ा था मैंने उसमें एक अल्फाबेट मोल्ड में वो रेज़न को डाल के वाइट रेज़न को उसमें डाल के यूज़ कर लिया। और जो हमारे ग्लास में छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा सा कलर्स बचा था साइड्स पे, उसको मैंने यहाँ पे सेम डॉट टेक्निक से अपने एस अल्फाबेट के रेज़न में डाल लिया। ऐसे मैंने थोड़ा सा रेड कलर डाल दिया और टॉर्च के साथ मैंने इनके बबल्स को ख़त्म कर दिया। ये हीट के साथ आप देखें मिक्स हो गए थे। नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद अब हम अपने कोस्टर को हम डीमोल्ड कर रहे हैं। वाओ, ये रेड, येलो और ब्लू कलर का कितना सुंदर इफ़ेक्ट है और डॉट्स में डालने के कारण इसमें फ्लावर्स के ब्लूम्स का कितना सुंदर इफ़ेक्ट आया। अगर आपको ये वीडियो और टेक्निक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर एंड लाइक करना। बाय फ्रेंड्स।